नमस्कार, बहस के नंबर वन शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। कभी जात की बात, कभी धर्म की बात, कभी आरक्षण की बात, क्या बिना इन तीन मुद्दों के चुनाव लड़ना और जीतना मुश्किल हो चुका है? क्या विकास के नाम पर, काम के नाम पर, अच्छे चेहरे के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है? मौजूदा विधानसभा का चुनावों के अगर हम सियासी स्क्रिप्ट को देखें तो कुछ ऐसे डायलॉग डिलीवरी से भरी हुई दिखाई देती है, जिसमें धर्म, जाति और आरक्षण का जोरदार तड़का लगाया गया है। इसका सीधा उदाहरण तेलंगाना चुनाव में ही देख लीजिए। तेलंगाना में बड़ी जमीन ढूंढ रही बीजेपी राज्य में मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का पासा बार बार फेंक रही है। साफ कह रही है, मुस्लिम आरक्षण गरीब, वंचित, दलितों और पिछड़ों का हक छीनने की साजिश है, और अगर बीजेपी सत्ता में आई तो मुस्लिम आरक्षण खत्म होगा, तुष्टिकरण बंद होगा। बीजेपी के इस दाव के पीछे है सत्तारूढ़ केसीआर और कांग्रेस का मुस्लिम कार्ड। केसीआर की पार्टी बीआरएस ने मुस्लिमों के लिए अलग से स्पेशल आईटी पार्क बनाने का ऐलान किया, तो वहीं कांग्रेस ने तेलंगाना में मुस्लिमों के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी करके खुद को सबसे बड़ा हितैषी दिखाने का पासा भी फेंका है। वैसे भी लगातार मुस्लिमों के सबसे खास बनने का दंभ भरते रहे हैं। इन पार्टियों के पास अच्छा खासा, आप ये कह सकते हैं कि जो मुस्लिम वोट बैंक है तेलंगाना में, उसका प्रेम भी छिपा हो सकता है, जो राज्य की 119 सीटों में से 48 सीटों पर हार और जीत तय करते हैं। इस वोट बैंक का प्यार जिसे मिलता है वो सत्ता की कुर्सी तक बहुत आसानी से पहुंच जाता है। इसीलिए योजनाओं का खास पिटारा आम वोटरों को खास बना रहा है। तो दूसरी तरफ है बीजेपी, जिसके पास मुस्लिम वोट बैंक की किल्लत रहती है, इसीलिए वो हिंदू वोटर्स को रिझाने के लिए मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने वाला दाव चलने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर धर्म वाला दाव दोनों तरफ से ही चला जा रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या बिना धर्म के दाव लगाए चुनाव जीतना मुश्किल है? क्या वाकई विकास के नाम पर वोट मुश्किल से मिलते हैं, जबकि धर्म पर चोट करके वोट पाना आसान है? करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। पुष्टिकरण की राजनीति का सबसे गंदा खेल आज तेलंगाना में देखा जा सकता है। बीजेपी का तेलंगाना का सदर ये कहता है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं बुलडोजरों से घर को तोड़ दूंगा। बुलडोजर तो दूर की बात, घर की ईंट को भी हाथ लगाने नहीं देंगे हम आपको इंशाल्लाह। ये मुस्लिम आरक्षण हमारे दलित बंधुओं को, वंचितों को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी, इन सभी कैटेगरी को, पिछड़ी जाति के लोगों को उनके हकों से वंचित करने की साजिश का हिस्सा है। कांग्रेस के जमाने में क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। इनके जमाने में फसाद, हर त्योहार में गड़बड़, कर्फ्यू होती थी। मगर ये शख्स जो इनका अध्यक्ष है, ये आरएसएस से आया हुआ और आज आकर मेरी शेरवानी तक आ गया। हमने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही ये 4% मुस्लिम आरक्षण हम समाप्त कर देंगे। ये मजलिस का इलाका है, तुम आ कहां से दबके नहीं मालूम मेरे को। यहां से आप अरे ऐसा बोले मैं दूल्हे भाई की तलवार, कोई मेरे सामने नहीं ठहरना। आज हमें एक बात सीधा देखना है कि दूसरी भारत का राजनीति से देश आगे नहीं बढ़ते हैं। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमें सबका साथ, सबका विकास, नीति का साथ हमें आगे बढ़ना है। केसीआर की पार्टी 2G पार्टी, केसीआर और केटीआर। ओवैसी की पार्टी 3G पार्टी, तीन पीढ़ियों से परिवार में ही नेतृत्व हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी 4G पार्टी है।
देखिए, तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण के मुद्दे पर यह तनाव, सियासी तनाव दिखाई दे रहा है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, AIMIM के नेता दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में है, राशिद शरीफ अध्यक्ष हैं SIMPLB के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता LJP भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल यहां पर दानिश कुरैशी जी आपसे है, वो ये कि मुस्लिम आरक्षण की आखिरकार इतनी जरूरत क्यों है? बीजेपी तो ये कह रही है कि ये संविधान के खिलाफ है धार्मिक आधार पर आरक्षण देना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बीजेपी जो कह रही है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण देना है, पे पाबंदी होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि फिर वो लौटे जो पसमांदा के मामले में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते रहे हैं, और जवाहरलाल नेहरू के वक्त में जिस तरीके से पसमांदा मुसलमानों को जो हक हुकूक जो थे जिस तरह से डिस्कार्ड कर दिए गए नोटिफिकेशन लगाकर आर्टिकल 341 के अंदर में, वो आपके सामने है, तो क्या ये देश का अपमान नहीं है या ये भूल गए क्या योगी जी? अमित शाह जी भी यही कह रहे हैं, योगी जी भी यही कह रहे हैं। तो सवाल ये है कि आपके जो मापदंड हैं, मुसलमान अगर आपके निशाने पे हैं, उसके बिना आपकी राजनीति नहीं चलती, ये बिल्कुल साफ तौर पर है। मानशु जी, ये विशाल जी, ये इनको समझ में आ गया मुझे लगता है, और यही राजनीति देश में जो चला रहे हैं, ये मुसलमान विरोधी राजनीति का कब तक वो करते रहेंगे और कब तक इनका आधार पे कांग्रेस और बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इनके साथ जुड़ती रहेंगी। दानिश जी, लेकिन मुस्लिम आरक्षण की जरूरत क्यों, धर्म के आधार पर जरूरत क्यों है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आजादी के बाद मुसलमानों के साथ जिस तरह से पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है, आप मुझे ये बताइए आंकड़े क्या कहते हैं, आप बता दीजिए, क्योंकि आप लोग आरक्षण के हिमायती हैं, आप मुझे जानकारी दीजिए, मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं। हम आरक्षण के हिमायती नहीं है, हम तो संविधान के हिमायती है, लेकिन जो परिस्थितियां बनाई है 2006 की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपके पास है, कुल्लू कमेटी की रिपोर्ट आपके पास है, ये तमाम चीजें आपके पास रिकॉर्ड पे हैं कि जो परिस्थितियां हैं, मुसलमानों के जो हालात हैं बिल्कुल बद से बदतर हो चुके हैं, और ये इस बात को कम से कम 15 साल पुरानी बातों के 2006 में इन्होंने बनाया था, क्या हुआ उसमें बताइए मुझे, जो परिस्थितियां का निर्माण हुआ है इनके शासनकाल में, उसी को दोहराते हुए भारतीय जनता पार्टी भी वही काम कर रही है। मुझे ये बताइए कि क्या मुसलमान बहुत आर्थिक तौर पे सद्धर हो गया, क्या एजुकेशनल लेवल बहुत बढ़ गया उनका, क्या राजनीतिक तौर पे बहुत सद्धर हो गया? ऐसा तो नहीं है। चलिए देखिए दानिश जी, आप आंकड़े में, आपको अभी अगले राउंड में जब आऊंगा तो मैं आपसे आंकड़ों पर ही सवाल पूछूंगा, और कुछ आंकड़े मैं लेकर आया हूँ। फिलहाल राकेश त्रिपाठी जी, क्या आप लोग भी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं तेलंगाना में? आप ये सोच रहे हैं कि हिंदू वोटर आपके पास आ जाए? विशाल जी, लंबे समय तक इस देश में मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति चलती रही है। देश की आजादी के बाद जो पहली सरकार बनी थी पंडित नेहरू के नेतृत्व में बनी सरकार ने ही तुष्टीकरण की नींव रखती थी। जब सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का मसला सामने आया और कैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वहां जाने से रोकने का प्रयास किया गया, तो पंडित नेहरू के मन में तब से इस बात को था कि इस देश के मुसलमानों को कैसे साध कर रखना है, काम उनके लिए कुछ नहीं करना है, केवल उनके लिए बयान करना है। देखिए, ये देश चलता है इस पुस्तक से, ये भारत का संविधान है। भारत का संविधान इस बात के लिए प्रावधानित करता है कि किसके लिए आरक्षण होना चाहिए और किसके लिए आरक्षण नहीं होना चाहिए। एक बार बता दीजिए राकेश जी, क्योंकि आप कानून के भी जानकार हैं, इस बात के लिए प्रावधान, राकेश जी, क्योंकि देखिए इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएं, आप उस चीज को बता दीजिए संविधान क्या कहता है, क्योंकि आप कानून के भी जानकार हैं, फिर मैं और भी मेहमानों के पास जाऊंगा। मैं बता देता हूं, भारत का संविधान अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 3 स्पष्ट करता है कि इस देश की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए जाएंगे। अनुच्छेद 93 संशोधन हुआ, उस संशोधन ने आरक्षण में एक और आरक्षण जोड़ा था कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़ा वर्ग है उस पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण होगा। इस पिछड़े वर्ग में जातियां तय नहीं की गई थी, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़ा वर्ग है, इस पिछड़े वर्ग में आरक्षण बहुत सारे मुस्लिम जानमान जातियों को भी मिलता है, लेकिन किसी मजहब के आधार पर कि जैन को आरक्षण मिल जाए, पारसी को आरक्षण मिल जाए, बौद्ध को आरक्षण मिल जाए या
शैव संप्रदाय को कोई आरक्षण मिल जाए, या वैष्णव मानने वालों को आरक्षण मिल जाए, या भगवान राम को मानने वालों को आरक्षण मिल जाए, या अल्लाह को की इबादत करने वालों को आरक्षण मिल जाए, ऐसा कोई विचार भारत की संविधान सभा ने स्वीकार नहीं किया था। इस बात को लेकर के संविधान सभा में भी डिस्कशन हुआ था कि क्या मजहब के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। सबने एक मत होकर के, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिसमें मौजूद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जहां मौजूद थे, देश के हमारे सारे विद्वान जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, इस देश के एक नए भारत के निर्माण के लिए नींव रखी थी, उन सबने मिलकर के एक स्वर में कहा कि नहीं, मजहब के आधार पर आरक्षण इस देश की एकता अखंडता के लिए खतरा होगा, मजहब के आधार पर। चलिए देखिए, राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर संविधान इजाजत नहीं देता है कि आरक्षण मिले। कपीश श्रीवास्तव, आपका क्या टेक है? विशाल भाई, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के अंदर जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसमें धर्म के आधार पर कोई आरक्षण का जिक्र नहीं है। और साथ ही साथ इंदिरा साहब भारत संघ बनाम इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के बाद में भी इस बात को भी स्पष्ट किया गया, और साथ ही साथ इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि 50% से ऊपर का आरक्षण नहीं हो सकता। लेकिन उसके बावजूद कुछ किंतु और परंतु उसमें दिए हुए हैं, जिनके कारण आपने देखा होगा कई प्रदेशों में 50% से ज़्यादा जो है वो आरक्षण हुए हैं और हो रहे हैं। अभी आपने देखा कि 10% जो आरक्षण है सवर्णों को दिया गया है, यानी कि जो आर्थिक रूप से उन्नत नहीं कर सके हैं सवर्णों में, उनको भी मिला IWS का आरक्षण। ये किस संविधान के अनुच्छेद में दिया हुआ? राकेश त्रिपाठी जी से पूछिए कि ये जो सामान्य वर्ग के अंदर जो आरक्षण दिया गया है आर्थिक आधार पर, ये भी तो मेरे ख्याल से कपीश जी आर्थिक आधार पर है। आप उस शब्द का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, आर्थिक आधार पर है। नहीं, हमारे हमारे संविधान के अंदर सिर्फ और सिर्फ जिस अनुच्छेद की ये बात कर रहे हैं 15 और 16 के अंदर जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसमें आर्थिक। कपीश जी मुझे ये बताइए, मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में आप हैं या नहीं? आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? मैं बहुत स्पष्ट सी बात आपको कह रहा हूं जी, कि अगर बाबा साहब के, भीमराव अंबेडकर साहब के आप आरक्षण के अनुसार अगर जाते हैं तो उसमें 50% ही आरक्षण हो सकता है और उसमें धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है। लेकिन सवर्ण के आधार पर भी नहीं हो सकता कि सिर्फ आप आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तो आपको आरक्षण दे दिया जाए। जब जो ये सरकार जो है ये 10% का EWS का आरक्षण दे सकती है, तो आप बताइए कि क्या अल्पसंख्यक की स्थिति दलितों के बराबर या उससे बदतर नहीं है? क्या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने नहीं है? अगर अपलिफ्टमेंट करने के लिए आप मुसलमान में क्यों बांटते हैं? आप इस बात को देखिए ना कि आखिर सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई है वो उनका ये कहना कि ये दलित से बदतर पोजीशन में इस समय अल्पसंख्यक हैं। तो ऐसी स्थिति में वो हमारे भाई हैं, हमारे देश के वासी हैं, इस भारत माँ की संतान है। कपीश जी आरक्षण के पक्ष में है या नहीं? आपने देखिए पूरी बात रख ली, मैं आपसे एक हाँ या ना में जवाब चाहता हूँ। क्या आप मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में है या नहीं? बिल्कुल, मैं उस आरक्षण के सभी धर्मों के लिए आरक्षण के पक्ष में हूँ जिसमें सच्चर कमेटी जैसी रिपोर्ट हो कि हाँ इनकी स्थिति बस से बदतर है। चलिए, कब मैं प्रोफेसर संगीत रागी जी के पास चलता हूँ। प्रोफेसर संगीत रागी जी, ये कैसा, क्योंकि देखिए राकेश त्रिपाठी बता रहे हैं, अमित शाह ने कहा कि संविधान के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ जो ये धार्मिक आधार पर आरक्षण यहाँ पर दिया गया है, कैसे देखते हैं आप? ये फिर किस आधार पर दिया जा रहा है तेलंगाना में, और इससे पहले कर्नाटक में भी 4% आरक्षण दिया गया था? देखिए, कर्नाटक आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है, और मैं बताऊं कि जो धार्मिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान संविधान सम्मत नहीं है, एक। दूसरी बात, मुसलमानों के लिए अलग से घोषणा पत्र, मुसलमानों के लिए यदि मुस्लिम टैक्सी खरीदें तो उन पर सब्सिडी, ये सब ऐसे प्रावधान हैं जो भारत को एक बार फिर 1947 के विमर्श की तरफ ले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों को किसी भी प्रकार के आरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है, उनको आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए, और इसके दो तर्क हैं जी। पहली बात तो आरक्षण का प्रावधान जो SC ST को मिला गया था वो इस आधार पर दिया गया था कि वे बड़े शोषित और वंचित रहे हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है, हिस्टोरिकली एक्रिप्ड कम्युनिटीज हैं। ये तर्क जो है वो मुसलमानों पर नहीं होगा, क्योंकि मुसलमानों ने तो स्वयं और इनके लोगों ने तो स्वयं हिंदुओं पर अत्याचार किए, बर्बरतापूर्ण अत्याचार किए, वो शासक वर्ग के हिस्से रहे
और जो कोई भी मुस्लिम कन्वर्ट किया हिंदुस्तान में हिंदुओं से, वो लालच में किया या बल प्रयोग के किया, कोई ना कोई ऐसा ही कारण रहा, कोई धार्मिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई मुसलमान यहाँ पर नहीं बना, इसलिए उस आधार पर उनको आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, जो एजुकेशनली बैकवर्ड का प्रावधान है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड का प्रावधान है, वो प्रावधान तो सब पर लागू होता है और उस दायरे के अंदर मुसलमानों के भी कई जातियों को आरक्षण पहले से ही मिल रहा है, इसलिए इसके बाद इतर जाकर के धार्मिक आधार पर आरक्षण पढ़ना सबसे पहले ये तो देश और संविधान के साथ गद्दारी है। मैं जानबूझकर के इस प्रश्न ये शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, इस देश के साथ विश्वासघात है। ये संविधान सभा के अंतर्गत डिस्कस किया गया था और संविधान सभा के अंतर्गत तो है वो धर्म के आधार पर किसी प्रकार का, एक कहा जाता है कि एक जानवर को खाना देने का डर नहीं होता है, परखने का डर होता है, वो बार बार इसी चीज को ले आए। ये जो मुस्लिम आरक्षण, मुस्लिम 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 मुस्लिम, ये तुष्टिकरण की राजनीति 1947 तक हमको लेकर के गई है। दुर्भाग्य से भारत में रहने वाले मुसलमान को मुस्लिम तुष्टिकरण जो है एक बार फिर से भारत के अंदर उसी प्रकार का आक्रामक रवैया अपना रहा है और दुर्भाग्य से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो RJD हो, चाहे अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हो, वो मुसलमानों के वोट के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए जा रहे हैं। एक प्रश्न उठाया गया कि भाई आप जो है जो अपर कास्ट में जो है उनको आरक्षण आप 10% क्यों दे रहे हैं, यदि ऐसी ही बात थी तो कोई, मैं बार बार ये सवाल कर रहा हूं कि एक लिबरल डेमोक्रेसी होती है वो इंडिविजुअल कहीं होती है, हमने कम्युनिटी डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये इतना बड़ा खतरनाक चीज है कि आने वाले दिनों में लोग जातियों के आधार पर आरक्षण मांगेंगे और वही हमें होता हुआ दिख रहा है। ये भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा है। चले, चले, संगीत रागी जी ने पूरी बात रखी। मैं कहता हूं कि जो लोग भी मुसलमानों के नाम पर आरक्षण करते हैं वो भारत तोड़ने की ही बात। चलिए देखिए, मैं अब इस पर जवाब ले दूं। राशिद शरीफ हमारे साथ है, SIMPLB के प्रेसिडेंट है। राशिद शरीफ जी, आजादी के बाद से बहुत सी सरकारें आई, अभी जैसे मैं दानिश कुरैशी जी को सुन रहा था, कपीश श्रीवास्तव जी को सुन रहा था, सच्चर कमेटी की सिफारिशों की बात की गई, कुछ और रिपोर्ट्स की बात की गई, फिर आखिरकार कौन सरकार जिम्मेदार है, कौन लोग जिम्मेदार है अगर मुसलमान अभी भी पिछड़ा है तो, अगर जिस तरह के दावे दानिश कुरैशी और कपीश श्रीवास्तव की तरफ से किए गए। विशाल जी, मैं एक बात बताना चाह रहा हूं मैं आपको, मुस्लिम रिजर्वेशन जो बात कर रहे हैं आप लोग, मुस्लिम रिजर्वेशन की तरह इसको क्यों देख रहे हैं आप? ये पसमानदा मुसलमान, दलित से नीचे मुसलमान, दलित से बिछड़ा मुसलमान, उसको मुसलमान भी एक इंडियन है, मुसलमान भी आपका हक बराबर है। आप राशिद शरीफ जी, लेकिन क्यों उसको लेकिन उठाने के लिए तकलीफ है आपको? जी, आपको तकलीफ क्यों है सर उठाने के लिए उसको? जो ओबीसी रिजर्वेशन है उसमें तो जो मुसलमान की ओबीसी जातियां हैं उनको भी आरक्षण मिलता है, तो फिर अलग से आरक्षण की जरूरत क्यों? विशाल सवाल उठाया जा रहा, बीजेपी ने सवाल उठाया, विशाल संगीत राज ने सवाल उठाया। बीजेपी का काम यही है, तेलंगाना में उनके पास जमीन नहीं है, तेलंगाना में राशिद जी, तेलंगाना में उनको कोई पूछता नहीं, आए तो सिर्फ सुनिए सर, सुनिए मुसलमानों खाली आज पर बातचीत करना, इतना बड़ा स्टेट राशिद जी, आप किस पर बातचीत करना चाह रहे हैं? तेलंगाना का राशिद जी, आप किस मुद्दे पर बातचीत करना चाह रहे हैं? मुसलमानों के भले पर या वोट पर? आप पहले ये मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ। अमित शाह जी आके की बात कर रहे हैं, अमित शाह जी आके, योगी जी आके, खाली रिजर्वेशन, खाली मुस्लिम रिजर्वेशन, क्या डेवलपमेंट नहीं दिखता? अच्छा राशिद जी, आप हैदराबाद में हैं इस समय, क्या कुछ नहीं दिखता? क्या तेलंगाना में खाली एक ही मुद्दा है? नहीं सर, सुनिए, तेलंगाना में जुड़े हुए हमारे साथ मुद्दा है, सही हूँ? अरे आप आएंगे राशिद जी, आप इस वक्त हैदराबाद में बैठे हैं अगर मैं सही हूं तो? बिल्कुल हैदराबाद में बैठा। अच्छा चलिए, मेरे पास जी सुधीर आयोग की कुछ रिपोर्ट है, उनकी कुछ सिफारिशें हैं। जी सुधीर आयोग वो आयोग है जिसके आधार पर ही 4% मुस्लिम आरक्षण वहां पर दिया गया अलग अलग क्षेत्रों में, तेलंगाना में, मैं सही हूं? आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर गलत हूं तो। बिल्कुल सही है। अब मैं इनकी कुछ सिफारिशें आपको पढ़कर बता देता हूं, ठीक है? आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, और सिफारिशों के बारे में क्या किया आपने अगर आप इतना भला चाहते थे मुसलमानों का तो? जैसे इसमें यह लिखा गया है सिफारिश में कि कुछ जो उर्दू मीडियम स्कूल हैं उनमें अंग्रेजी भी
प्रॉपर तरीके से भाषा को पढ़ाया जाना चाहिए ताकि इसका भी विकल्प हो और बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। कितने स्कूलों में, कितने मदरसों में आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, ये भी जी सुधीर आयोग की सिफारिश है। यहाँ पे है सो हमारी गवर्नमेंट जो भी सुने सर, ये हाँ। आज की बात बता रहा हूं मैं, हर मदरसे में इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। अच्छा, हर मदरसे में अरबी तालीम के साथ इंग्लिश तालीम भी दी जा रही है। मैथ साइंस इसकी सिफारिश भी की गई है। मैं आपको अगला पढ़ के बता देता हूँ, आप अपनी बात पूरी करिए। तेलंगाना में सर, तेलंगाना में मुस्लिम पसमानदा है बोल के ये स्कीम चल रही रेसिडेंशियल की। तेलंगाना में मुस्लिम पसमानदा है बोल के आप आसरा स्कीम चल रही। अच्छा, इसमें एक और सिफारिश दी गई राशिद शरीफ साहब, जी सुधीर आयोग की रिपोर्ट में एक और सिफारिश है। द मदरसा कुड बी एडवाइज टू इंक्लूड साइंस एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स इन दियर सिलेबस थ्रू प्रोवाइडिंग रेलेवेंट सपोर्ट एंड परसुएशन। तो क्या साइंस और मैथ पर भी आप लोग का पूरा फोकस है? कितने मदरसों में इस तरह के व्यवस्था है, मुझे आप ये बताइए। अगर कहीं नहीं हो रहा तो मैं उनको बोलूंगा कि मैं आप मुझे नहीं बता रहा नहीं हो रहा। साहब आप हैदराबाद से जुड़े हैं, देखिए राशिद साहब मैं नोएडा में हूँ, मैं हैदराबाद कभी नहीं आया हूँ आज तक, आप हैदराबाद से जुड़े हुए हैं, मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप सच्चाई बताइए ना क्या है स्थिति, क्योंकि आप मुसलमानों के भले की बात कर रहे हैं, मुद्दों पर बात करेंगे नहीं, वोट की बात करेंगे, आरक्षण की बात करेंगे, सिफारिश तो बहुत सारी की गई है जी सुधीर आयोग में। नहीं, मैं आप बता रहे हैं, बीजेपी से बोलता हूं, योगी साहब आते हैं तेलंगाना में, अमित शाह साहब, बीजेपी से सवाल आपका ले लूंगा, आप पहले मेरे मूल सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं आपका सवाल बीजेपी से पूछूंगा, हिंदुओं का कोई मुद्दा नहीं है क्या, डेवलपमेंट का कोई मुद्दा नहीं है? राशिद जी मैं आपके सवाल का जवाब बीजेपी से ले लूंगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरियां देने के क्षेत्र में, या उनको पढ़ाई करने में, अगर आपके पास पढ़ाई होगी युवाओं के पास, मुसलमान सर, तो राशिद साहब इन क्षेत्रों में कितना काम हुआ, आप इसकी जानकारी क्यों नहीं देते हैं? बात सिर्फ आरक्षण तक ही सीमित है क्या? भाई बता रहा हूं ना विशाल जी, जी कहा है, मुसलमान को कोई देखना ही नहीं चाहता, उनको नौकरी देना ही नहीं चाहता। राशिद साहब कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, धर्म देश के हमारे राष्ट्रपति तक मुसलमान बने हैं, अरे सर बात कर रहे हैं, ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है, आप इसको कहां बांट रहे हैं राशिद शरीफ साहब? कौन मुसलमानों को नौकरी नहीं देता, आप कैसी बात कर रहे हैं? गंगा जमुना का तहजीब है, आप याद दिला दिए, जी न्यूज पे याद दिला दिए कि गंगा जमुना तहजीब का शहर है, ये अमित शाह जी को बोलिए, ये योगी जी को बोलिए, जहां तेलंगाना में आते वो गंगा जमुना तहजीब है। चलिए धीरेन्द्र, देखिए मूल सवालों का जवाब नहीं दे रहे, धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, एलजेपी के प्रवक्ता। धीरेन्द्र कुमार जी आप जवाब दीजिए, राशिद शरीफ कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर इस तरह का मुद्दा उठा रहे हैं ताकि लोगों के अंदर अन्य मुद्दों से उनका ध्यान भटक जाए। देखिए इन लोगों के दिल में विशाल जी क्या विकास की बात है, अब समझिए जरा, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वैसे ही ये लोग कर रहे हैं आरक्षण को, कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें आरक्षण दूंगा। इनकी नीयत में खोट है। ये देश को फिर से एक विभाजन की ओर संजीव भाई ने ठीक कहा है बढ़ाने की ये कोशिश है। आज जरूरत है देश में रोजगार मुहैया कराने की। मजहब के आधार पर आरक्षण की बात बिल्कुल ही गैर वाजिब है। जब आरक्षण की बात एक बार हो चुकी है कि भाई दलितों को आरक्षण दिया जाएगा, अनुसूचित जातियों को आरक्षण मिलेगा, या समाज में पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिलेगा, पिछड़े वर्ग चाहे किसी भी धर्म में हो, लेकिन एक विशेष धर्म को अगर ऑटो लेते हैं तो उनको 50% का सब्सिडी दे दिया जाए, बिहार में अगर कोई उद्यम करना चाहे तो उनको 50% का सब्सिडी दे दिया जाए, या तेलंगाना में 4% का विशेष आरक्षण उनको दे दिया गया हो, तो कहीं ना कहीं ये हमारे गरीब और जिनके लिए संविधान में बाबा साहब ने इसके प्रावधान किया था उनके साथ तो घोर अन्याय हो रहा है ना। वोट के खातिर आप समाज को बांट रहे हैं, ये तुष्टिकरण की तो प्रकाष्ठा है। और इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि आप जिनके लिए करना है उनको मिल रहा है, लेकिन आप अगर मजहब के आधार पर आरक्षण देंगे तो मजहब के आधार पर तो और बहुत लोग ऐसी कम्युनिटी है जो वास्तव में जिनकी संख्या देश में बहुत कम है, फिर उनको क्यों नहीं ये चीज मिले? और अगर ये देते 100% से ऊपर हमारे हैं इतने मजहब और इतनी जातियां हैं कि अगर इसको आधार बना के जाया जाए तो शायद देश कितने खंडों में पटेगा, ये कि ये लोग समझ नहीं पा रहे। एक तरफ ये लोग चाहते हैं सरिया से कभी भी देश के विकास का जरिया ये लोग बताना चाहते हैं,
एक तरफ आप सरिया कानून को मानना चाहते हैं, दूसरे तरफ आप बाबा साहब को भी जपना चाहते हैं। अरे दोनों चीजें तो नहीं एक साथ चल सकती है ना। देश के मजलूमों को, मजबूरों को, मजदूरों को, इन लोगों को रोजगार देने की बात करिए और उसको संविधान ने ये उनको दिया है प्रावधान कि आप समाज के बाकी लोगों के सामने बराबर में आके बैठिए, लेकिन आप बराबर में लाने के बजाय उनको और दूर करने का विषय उठा रहे हैं। ठीक आदरणीय गृह मंत्री जी ने देखिए अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट आया है जिसमें ये लिखा गया है मोदी जी के हैं दो यार, ओवैसी और केसीआर। ये राहुल गांधी का बयान है, राहुल गांधी के बयान को कोट करके कांग्रेस ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने यह बयान दिया है तेलंगाना में और आप देखिए जिस तरह से तेलंगाना विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं उससे पहले सियासी वार पलटवार लगातार जारी है। सियासी दल एक दूसरे को लगातार एक अन्य दलों के साथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर। अब आप देखिए किस तरह से यहां पर राहुल गांधी ने तेलंगाना में यह बयान दिया है, ओवैसी और केसीआर मोदी जी के हैं दो यार, यह बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया है। अब मैं आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनवा देता हूं, आपसे थोड़ी देर में राहुल गांधी का बयान मैं आपको सुनाऊंगा क्योंकि जिस तरह से चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे, अमित शाह ने कहा अगर सत्ता में आए तो मुस्लिम आरक्षण खत्म करेंगे, ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे, और इन सब के बीच में अब राहुल गांधी भी जब तेलंगाना में चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा, राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। देखिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो विरोधाभासी है, विरोधाभासी इसलिए कि असदुद्दीन ओवैसी भी उसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मजहबी तुष्टिकरण के लिए विभाजनकारी बातें, कट्टरपंथी बातें कहते हैं, जिस तरह की बातें कांग्रेस करती रही है, कांग्रेस तो करती रही उस तरह की बातें जैसा ओवैसी कहते हैं, तो दोनों में साम्यता है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो ओवैसी का कभी कोई सरोकार नहीं हो सकता है, कभी हम साथ नहीं चल सकते हैं। हाँ, कांग्रेस और ओवैसी को साथ साथ मंच पर हमने पहले भी कई बार देखा है और आने वाले समय में भी देखेंगे, दोनों के लिए वैचारिक साम्यता है। देखिए मैं बहुत गंभीर बात कहूं विशाल जी, ये आरक्षण को समझने की आवश्यकता है कि आरक्षण क्यों दिया गया है। इस देश में एक शासक जातियां रही हैं और कुछ लोग शोषक रहे हैं। मुसलमान तो इस देश में शासक रहे हैं ना, उन्होंने तो शोषण किया है, तो उसके आधार पर अब वो आरक्षण की बात कर रहे हैं, उसके ऐतिहासिकता क्या है? ऐतिहासिकता के आधार पर ही देखा जाएगा ना। इस देश में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां से या पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ कैसा अन्याय हुआ, ऐतिहासिकता, ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर, उसके आधार पर उनको आरक्षण दिया गया है। क्या मुसलमानों के साथ भी कोई अस्पृश्यता होती है? ये बताएं मुझे दानिश कुरैशी कि क्या मुसलमानों में अस्पृश्यता है? क्या मुसलमानों में छुआछूत है? क्या मुसलमानों में कभी इतिहास में इस तरह की घटनाएं होती रही है? अगर होती रही हो तो आरक्षण का दावा करिए, लेकिन जब आप कहते हैं कि नहीं मुसलमान तो कहीं कोई भेदभाव नहीं करता है, भेदभाव नहीं होता है तो मुसलमान में किस प्रकार से आरक्षण का आप दावा कर सकते हैं? ये चुनावी सिगुफा देना बंद करिए, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने ना इस देश को बड़ा खोखला किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 54 करोड़ आज बैंक में खाते खुलवा करके ये वोट बैंक की पॉलिसी का पूरा बैंककरप्ट कर दिया, इसको दिवालिया कर दिया, आज खाते खुलवा दिए और सबके पैसे सीधे खाते में पहुंचने लगे। दानिश कुरैशी जी जवाब दीजिए। जी बिल्कुल त्रिपाठी जी, सुनिए देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जितने लोग हैं ना, चाहे इंटरनेशनल कांग्रेस हो, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता त्रिपाठी जी हो और दूसरे लोग हों, ये तमाम लोग जो है ना ये आरक्षण पे अपना स्टैंड तो बताते हैं। जैसा कपीश जी ने कहा कि भाई उनका स्टैंड क्लियर, अच्छी बातें होना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, आरक्षण जो है हर मामले में हर दिन हर लम्हे एक्टिव है। हमारे यहां 15 लाख करोड़ का आरक्षण कॉर्पोरेट्स को दे दिया गया, तब तो नहीं बोले हमारे यहां त्रिपाठी जी ये क्या आरक्षण नहीं था, क्या आपको मिला त्रिपाठी जी, क्या मुझे मिला और किसी पैनलिस्ट को मिला? नहीं मिला। क्यों स्पेशल प्रिविलेज मिला उनको और क्यों दिया गया? क्योंकि आपके आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, इसलिए आप दुनिया का जो भी मामला है तमाम इकट्ठा करके उनको दे देंगे, तो ये आरक्षण नहीं था। दूसरे नंबर की बात, आपने पहले नंबर पर त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि भाई पहले तो उन्होंने कहा कि हम देश का जो है आरक्षण उससे चलेगा, संविधान से चलेगा। संविधान से जब चलेगा तो आर्टिकल 341 इंक्लूडेड है उसमें, जो जिसमें खुद मोदी जी कह चुके हैं कि पसमाना मुसलमानों के साथ में जाकर आप वो बनाइए, तय बनाइए। आप राकेश जी शायद इस बात से वाकिफ होंगे, नहीं वाकिफ है तो जानकारी ले लेनी चाहिए। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आप जो कह रहे हैं वो और मोदी जी जो कह रहे हैं वो, ये
दोनों में विरोधाभास क्यों है? दानिश जी, राकेश त्रिपाठी ने एक सवाल आपसे पूछा कि आपका दावा यह रहता है मुसलमानों में भेदभाव नहीं होता है, तो फिर आरक्षण की जरूरत क्यों? आप वो जवाब, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं देता हूं, 10 मिनट सुनिए मेरी बात, मैं आपको जवाब दूं जल्दी से। सवाल यहां ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में प्रोविजन है तो फिर आपको नोटिफिकेशन क्यों लगाना पड़ा जो नेहरू की सरकार ने लगाया, और उस नोटिफिकेशन को आज तक राकेश त्रिपाठी जी की सरकार ने क्यों बरकरार रखा है? अगर आप ईमानदारी के साथ, तो नोटिफिकेशन स्पेसिफिक क्यों लगा रखा है भाई? हटाइए। अच्छा दानिश जी, दानिश जी, आपकी पार्टी भी हैदराबाद में काफी सक्रिय रहती है, आप ही थोड़ा मुझे प्रकाश डाल दीजिए, हमारे पैनलिस्ट को भी थोड़ी जानकारी दे दीजिए। जिस उधर आयोग ने जो सिफारिशें की हैं मुसलमानों के लिए, उसमें से कितनी लागू की है आपकी केसीआर सरकार ने? देखिए मैं बिल्कुल मैरी गो राउंड दिखा दूं आपको। जो आर्टिकल 341 का जो क्लॉज है वो पढ़ लीजिए, नो पर्सन हु प्रोफेस रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम हिंदू, इसमें सिख और बुद्धिस्ट इंक्लूड है। बताइए आप क्यों इंक्लूड है और क्यों बाकी के सारे लोगों को एक्सक्लूड कर दिया आपने? जी मेरा सवाल आपसे ये है, तेलंगाना में मेरा सवाल तो कितनी सिफारिशों को लागू किया गया है जी सुधीर आयोग की? अगर ये लागू नहीं होता तो बाकी सारी चीजें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो लोग कुरैशी जी, उनको अपना हक मिलता रहता। कुरैशी जी, जिस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 4% आरक्षण दिया गया तेलंगाना में, उसी आयोग ने कुछ और सिफारिशें की है, उन सिफारिशों को कितना आपने पढ़ी है उनकी सिफारिशें? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं तो ये कितना लागू किया 1951 दानिश जी, आप जिस 4% आरक्षण की बात कर रहे हैं उस पे कब दानिश कुरैशी जी जजमेंट आएगा ये बताइए? दानिश कुरैशी जी, आप जिस 4% आरक्षण की बात कर रहे हैं उसमें और जो सिफारिशें लागू की गई थी कितनी लागू हुई, आप हम लोग को जानकारी दे दीजिए। हो सकता है राकेश त्रिपाठी जी ना गए हो, कपीश श्रीवास्तव जी हैदराबाद ना गए हो, संगीत रागी जी ना गए हो, मैं तो गया नहीं हूं अभी तक हैदराबाद, आप हमें बता दीजिए। बताएंगे क्योंकि वो तो इसको चला ही नहीं रहे, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है बरसों से, आज तक पेंडिंग पड़ी है, उस पर तो वो बोलते ही नहीं। कुरैशी जी, आप तो जवाब दे दीजिए, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, आप मुसलमानों के शैक्षणिक पिछड़ापन, सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन की बात कर रहे हैं, आपको तो पता होना चाहिए। तो आपका आधार बचेगा नहीं, आपका आधार नहीं बचेगा। दानिश जी देखिए, आपसे सवाल जो पूछा जा रहा है, उन सवालों का जवाब नहीं दे रहे, यही आपके स्टैंड को एक्सपोज करता है कि किस तरह से सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की जाती है असल मुद्दों से। अगर मुसलमानों को भला करने की आपकी नियत होती तो आपको ये रिपोर्ट पता होती, आपको सिफारिशें पता होती, आपको ये पता होता कि कितनी लागू हुई है कितनी नहीं लागू हुई है, लेकिन आप इन सवालों का सीधा जवाब यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। मैं कपीश श्रीवास्तव से अगला सवाल लेता हूँ। कपीश जी देखिए, आप भी कानून के बहुत अच्छे जानकार हैं, राकेश त्रिपाठी जी भी हैं, और मैं आपसे यही समझना चाह रहा हूं कपीश श्रीवास्तव जी, तमाम आयोग की रिपोर्ट आई अब तक, मुसलमानों के भले की बात की जाती है, आरक्षण की बात की जा रही है, लेकिन उन रिपोर्ट पे काम क्यों नहीं किया गया? कांग्रेस की भी सरकार रही, अन्य राज्यों में भी सरकार रही, आपकी भी सरकार रही यूपी में, कितना काम हुआ? देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि काम तो हुआ ही है, पहले से तो बेहतर हुआ है स्थिति, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए तो आज नहीं हो पाया। मैं एक बात आपको कह रहा हूँ कि जब आप कोई मंजिल पे चाहते हैं तो उस पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, दूसरी चढ़ देते हैं, अंतिम सीढ़ी तो बाद की आती है, लेकिन जब आप उस अवसर पे पहुंच गए हैं कि वहां से आप स्टेपिंग ज्यादा बड़ी कर सकते हैं, तो उस समय सरकार ऐसी है कि जो बात जरूर पासमानदार मुसलमानों की करेगी वोट के लिए, लेकिन उनको हक और उनके हुकूक को नहीं देगी। अभी हमारे आदरणीय मित्र दो लोग कह रहे थे कि ये लोग तो शासक वंश से आते हैं। अरे महाराज, तो कौन है आप और हम, क्या शासक वंश से नहीं आए हैं? शासक वंश से आने वाले कुछ ही लोग होते हैं, बाकी तो प्रजा ही होती है उसी धर्म जाति की, तो उस पर नहीं जाना चाहिए हमें। और देश तोड़ने वाले लोग, जो देश मां भारती के आजादी के भी विरुद्ध रहे, जिन्होंने नाखून तक नहीं कटवाए हैं, आज ही वो देश तोड़ने और जोड़ने की बात कर रहे हैं, गजब की बात है। मैं एक बात कह रहा हूं, जो हमारे मित्र ने कहा आर्टिकल 341 में के रहते हुए आपने कैसे संशोधन करके आप जो नागरिकता दे रहे हैं, वही हमें आप बता दो कि इसको आप प्रोबेट कर रहे हैं कि इसमें नहीं देना है और बाकी धर्मों को देना है, ये आपने कैसे किया? ये क्या देश को तोड़ने वाला नहीं है जो मोदी जी ने किया? और मैं तीसरी चीज कह रहा हूं कि संविधान संशोधन करके कोई भी चीज की जा सकती है अगर वो आधारभूत ढांचा को परिवर्तित ना कर रहा, और ये आधारभूत ढांचा तय करना सुप्रीम कोर्ट का हक है, ये तो वो करेगी। तो हम तो कह रहे हैं कि आज पहले लागू तो हो जी, उसके बाद में भी तो ओबीसी जातियां हैं जो ओबीसी आरक्षण का लाभ ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं? मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ओबीसी आरक्षण का अगर वो लाभ ले रही हैं
तो वो अपनी जगह पर है, लेकिन क्या एससी एसटी का भी ले देना कपीर जी अलग से देना क्या ठीक है? मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिसकी स्थिति बद से बदतर हो गई है उसको अपलिफ्टमेंट करना हम लोगों का नैतिक कर्तव्य है और ये करना चाहिए। संगीत रागी जी, क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है तेलंगाना में? इसे तुष्टीकरण नहीं बोलिए, इसे महाघटिया तुष्टीकरण कहिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जो मुसलमानों की आबादी है वो मूलतः शहरों की आबादी है। मुसलमानों की आबादी गांवों में कम है, शहरों में ज़्यादा है, जहाँ पर वो आज के आधुनिक जितने भी एक्सपोजर हो सकते हैं, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे वो हेल्थ का मामला हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, आधुनिक दुनिया से संपर्क का मामला, वो सब में बराबर के हिस्सेदार की तरह हैं। यदि उनकी अवस्था गर्त में गई है तो इसलिए गई है क्योंकि अभी भी मुस्लिम समाज का बहुमत हिस्सा जो है वह मध्ययुगीन मानसिकता से बाहर निकल करके आया ही नहीं है। वो भारत के अंदर जो है वो अरबी मुसलमान बनना चाहते हैं और वह अपने उसी आइडेंटिटी के साथ जीना चाहते हैं। जब अंग्रेज आए और ब्रिटिश एजुकेशन आया तब भी वो अरबी ही सीख रहे थे और उनको वो फिर जा करके उन्होंने कहना शुरू किया कि देखिए हमारा जो है वो शासन में प्रतिनिधित्व में नहीं आए। अरे शासन में आपका कैसे प्रतिनिधित्व मिल जाएगा? आज भी आधुनिक शिक्षा में वो चाहते हैं कि मदरसों से जो शिक्षा प्राप्त हो लोग, वो मदरसों से शिक्षित लोग जो हैं वो कंप्यूटर न जाने लेकिन उनको नौकरियों में प्रतिनिधित्व जरूर चाहिए। ये कैसे संभव है? जो एजुकेशन अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज से जो पढ़ करके आते हैं उसकी बराबरी मदरसा छाप विद्यार्थियों से तो की नहीं जा सकती है, लेकिन वो चाहते हैं कि शासन में प्रतिनिधित्व वहाँ से हो। और कांग्रेस सरकार ने इस प्रकार का किया भी था कि मदरसों से जो डिग्री थी वह जो शिक्षा के जो बाकी हमारे जो संस्थान हैं उनके बराबर उनको ला करके खड़ा करने के लिए तुष्टीकरण का रोग उन्होंने अपनाया था। एक बार और बोलना चाहता हूँ, ये बार बार कहा जाता है कि भाई जो है वो मुसलमानों की स्थिति बदतर, कौन इनको खुद पूछना चाहिए कि उनकी बदतर स्थिति के लिए जिम्मेदार क्यों है? वो उनका एनरोलमेंट रेशियो जो है हायर एजुकेशन में शहरों में क्यों नहीं है? वो जाकर के सब्जी बेचेंगे, वो जाकर के ये बेचेंगे, वो जाकर के कुछ और चलाएंगे, तो ये पढ़ने लिखने की संस्कृति इनमें है ही नहीं, और नहीं है उसका नतीजा वो भुगत रहे हैं। उसके लिए कोई संस्था जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए कोई व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है। और इनके नेताओं का जहाँ तक हाल है, कांग्रेस पार्टी ने ऐसे रेडिकल नेतृत्व को ही पाल पोस करके बड़ा कुआ है। असदुद्दीन ओवैसी किसकी उपज है? असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस की उपज है। उनको इतना बड़ा मुस्लिम लीग किसकी उपज है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आधुनिक भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उपज है। नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में कहा कि भारत के विभाजन में मुसलमानों का ये नहीं है, वो उसके लिए नहीं है। यहाँ तक कि इस हद तक के जाकर के कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग इसके लिए जिम्मेदार नहीं है और ये जो नया मुस्लिम लीग है वो कोई अलग मुस्लिम लीग है। हम लोग तो अच्छी तरह के जानते हैं कि मुस्लिम लीग जो है वो चाहे केरला का आदमी हो कितना रेडिकल एलिमेंट है, कौन किसको कितना प्रश्रय देता है। संगीत रागी जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस तर्क से उनको बाहर आने की आवश्यकता। बिल्कुल राशिद शरीफ जी, देखिए संगीत रागी जी कह रहे हैं, अगर अगर आप ये कह रहे हैं कि बदतर स्थिति है मुसलमानों की, तो इस बदतर स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? राशिद शरीफ जी आपसे सवाल है। बिल्कुल सर, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस गवर्नमेंट है, इसकी जिम्मेदार अब बीजेपी है। आज जो कोशिश कर रही है कि फिर मुसलमान को पीछे डाले, फिर मुसलमान, अरे मुस्लिम रिजर्वेशन छोड़ो यार, ये सोचो कि मुसलमान इस वक्त है सो बहुत तकलीफ में है, मुसलमान इस वक्त बिछड़ा हुआ है, उसको एक मुसलमान 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 क्या है, बिखरा हुआ है मतलब राशिद जी ऊपर लाना है। राशिद जी बिखरा हुआ मतलब सर, हर स्टेट से आवाज आती, आसाम से आवाज आती, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। राशिद जी बिखरा हुआ का तात्पर्य क्या है आपका? आप तमिलनाडु में देखिए। राशिद शरीफ जी बिखरा हुआ का तात्पर्य क्या है आपका? आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे बिखरे हुए, बिखरा हुआ मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर? सब हाथ छोड़े हुए हैं। क्या चीज? सब हाथ छोड़े हुए हैं, जिस तरीके से बैठ के अभी
अभी अभी बता रहा हूं मैं आपको, डिबेट खाली 4% पे रिजर्वेशन खत्म करो मुसलमानों का, वो भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो भी हम नहीं देख सकते लोग ऊपर आते। अरे बच्चे चार पढ़ ले रहे तो क्या तकलीफ है, अभी बैठ के बोल रहे बच्चे मुसलमानों के पढ़ते नहीं, बच्चे मुसलमानों के मदरसा। राशिद जी, देश में शिक्षा तो सभी के लिए है, सभी धर्मों के लिए है। एक मिनट विशाल जी, एक मिनट जी, आप अपनी बात पूरी करिए, बस मैं आपको दुरुस्त कर रहा हूँ। और ये हमारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ने वाले, हम आपको उनको इनको कैसा नौकरी देंगे? अरे बच्चे को पढ़ाओ, आरक्षण खाली तेलंगाना में नहीं पूरे स्टेटों में दो, जहां पसमानदा है वहां पे हर एक को दो, खाली सिर्फ मुसलमान नहीं दलितों को दो, आदिवासियों को दो, सबको दो, सबको एक नजर से देखो, सबको एक नजर से देखो, ये मत करो। आके तेलंगाना में अच्छा खासा तेलंगाना है हमारा, आज हिंदू मुसलमान बहुत खुश है बिहार। तो राशिद जी, तेलंगाना में मुसलमानों की स्थिति ठीक है? हम आरक्षण कर देंगे। राशिद जी देखिए, आपके आपकी बात मैंने पूरी सुनी, अब एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं और मेहमानों के पास जाता हूँ। तो क्या तेलंगाना में मुसलमानों की स्थिति बदतर नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बहुत नहीं सर, बहुत सुधरी तेलंगाना में मुसलमानों की हालत, हमारे पास बजट 2200 करोड़ है, कोई स्टेटमेंट नहीं। मैं जवाब लेता हूँ राकेश त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जी, गवर्नमेंट एक मिनट जी, एक मिनट जल्दी से, जल्दी से, 150,000 बच्चे गवर्नमेंट हमारी पढ़ा रही, लाखों आसरा स्कीम में बच्चों को, ऐसा हमारे जईफों को, बुजुर्गों को, विवाहों को पेंशन मिलता है, यहाँ पे ऐसा सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बिल्कुल मुतमईन है बीआरएस गवर्नमेंट में। राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। राशिद शरीफ साहब, मैं बहुत अनुरोध के साथ कहूंगा, मुसलमानों की गरीबी और गुर्बत की जब आप बात कर रहे हैं ना, इससे निपटने के समाधान क्या है? आरक्षण तो समाधान नहीं है, पहली बात। समाधान क्या है? आप निश्चित तौर पर शिक्षा की तरफ अग्रसरित होइए, लेकिन शिक्षा कैसी? शिक्षा जो रेडिकलाइजेशन से आपको दूर लेकर के जाए, वरना प्रयागराज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला भी अगर रेडिकलाइज होकर के किसी का चापड़ से गला काटने के लिए आगे बढ़ जाता है और उसको जिहाद बताने की कोशिश कर रहा लगता है, तो राशिद शरीफ आप जैसे लोगों को आकर के इसको कंडेम करना चाहिए। मुसलमानों के भीतर से धर्मगुरुओं को, जो अगुआ है समाज के, उनको निकल करके आके कंडेम करना चाहिए। महिलाओं को पर्दे में रखने की जो बिल्कुल जिद है, उस जिद से आगे बढ़ना चाहिए, उनको उनके अधिकार सौंपने चाहिए। तीन तलाक पर विरोध करना बंद करना चाहिए। आप अधिकार जब तक नहीं देंगे सोसाइटी में सबको, साथ आगे बढ़ने के लिए नहीं देखेंगे, ओपन माइंड के साथ नहीं चलेंगे, तब तक ये गरीबी, ये गुर्बत जैसी समस्याएं गिनाते रहेंगे और कांग्रेस और AIMIM जैसे दल आपको हमेशा वोट बैंक तौर पर मान करके हमेशा तुष्टीकरण करने का प्रयास करेंगे। यह समाजवादी पार्टी मुसलमानों का उत्थान मानती है कि कब्रिस्तान के चार दीवारी बना दो, कब्रिस्तान के चार दीवारी बनाओ और मुसलमान खुश हो जाएगा। अरे मुसलमान के लिए बेहतर है कि उसके अकाउंट तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के तहत पैसा पहुंचे, उसके भी पक्के मकान बने। जो 4 करोड़ पक्के मकान आज मोदी जी ने बनाए ना, उसमें मुसलमानों से कोई भेदभाव नहीं किया है। आज जो 13 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचाया है, कोई भेदभाव नहीं किया है। जो उज्ज्वला गैस के कनेक्शन पहुंचाए हैं, कोई भेदभाव नहीं किया है। आयुष्मान कार्ड के तहत जो 5 लाख का बीमा दिया है, कोई भेदभाव नहीं किया है। सबका साथ सबका विकास केवल कहा नहीं है, दानिश कुरैशी जी आया है। मैं फिर इसलिए कह रहा हूं कि मजहबी तुष्टीकरण की इस राजनीति को बंद करिए, इसने बहुत नुकसान किया मुसलमानों। दानिश कुरैशी जी, बीजेपी कह रही हो तो सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, तुष्टीकरण आप लोग कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, वो बता रहे हैं कि 4 करोड़ जो हैं घर बांटे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आप जो दे रहे हैं वो किस आधार पे दे रहे हैं? उनका क्राइटेरिया अगर है तभी तो दे रहे हैं ना। पांडे जी को तो नहीं मिला, विशाल पांडे जी को तो नहीं मिला, ना दानिश कुरैशी को मिला, ना कपिल श्रीवास्तव जी को मिला। हम ले भी नहीं सकते, हम लेंगे भी नहीं। सवाल क्या है, ये जो हालात बनाए रखे हैं ना, अभी ये बता रहे थे कि किस तरीके से एजुकेशनल लेवल बढ़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कि एजुकेशनल रेडिकलाइजेशन किस तरीके का है। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कहते हैं कि भाई मारो सालों को। आप सब उन शब्दों को रिपीट ना किया जाए दानिश कुरैशी जी, डिबेट की गरिमा को बनाकर। प्रधानमंत्री के आवास, प्रधानमंत्री के घर से चंद मिनटों पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कहता कि मुसलमानों के ठेले से यहाँ नहीं खरीदो। ये वो जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की विद्या पाने के बावजूद भी अगर ऐसे लोग बोल रहे हैं तो फिर क्या। दूसरे नंबर की बात, एजुकेशन की अगर बात कर रहे हैं ना संगीत रागी जी का, त्रिपाठी जी ने आपको बताओ, मुझे ये बताइए, जब आजाद भारत आजाद हुआ तो क्या तमाम लोग एजुकेटेड? चलिए मैं जल्दी से जवाब लेता हूं आपके सवालों का। संगीत रागी जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर कपीर श्रीवास्तव जी से अंतिम सवाल। आप मुझे ये बता दीजिए बीजेपी के पास कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? देखिए संगीत रागी जी, आपको जी मैं जवाब लेता हूं, दानिश कुरैशी जी मैं जवाब ले रहा हूं संगीत रागी जी से।
देखिए यदि सब्जियों को यदि फलों को यदि 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 सब्जियों को यदि सब्जियों को यदि फलों को यदि अपने लिपस्टिक और गुड्स को यदि कुरानिक इंजंक्शन से आप हलाल और हराम के कैटेगरी में रखेंगे तो हिंदू तो कल से कहना शुरू करेगा और उसे कहना वो क्यों नहीं बात करेगा ये बात कि भाई हम कुरानिक इंजंक्शन से किए गए फलों को सब्जियों को लिपस्टिकों को क्यों नहीं लेना चाहिए क्यों लेना चाहिए क्यों लेना चाहिए क्यों लाने चाहिए। आप रेलवे में जाकर के कहते हैं कि हलाल चाहिए लिपस्टिक हलाल चाहिए साबुन हलाल चाहिए। अरे हवाई जहाज पर मत चढ़ो वो तो हलाल नहीं हो सकता वो तो हलाल नहीं हो सकता ट्रेन तो हलाल नहीं हो सकता तो मत चढ़ा करो उस पर साइकिल हलाल नहीं होना चाहिए। हंसी आ रही है आपके ऊपर हंसी आ रही है मुझे चले चले कपिल श्रीवास्तव जी कपिल श्रीवास्तव जी नहीं नहीं मुझे हंसी इस पर आती है कि लिपस्टिक से लेकर के कपड़ा सेंट साबुन सबको आपको हलाल चाहिए। आप अभी मध्ययुगीन मानसिकता से बाहर निकले ही नहीं है। अभी भी अभी 640 और 642 में इस समय तुष्टिकरण की राजनीति कर रहा है योगी आदित्यनाथ ही आरोप लगा रहे हैं कि तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है तेलंगाना में। देखिए विशाल भाई सीधी बात है अगर कोई तुष्टिकरण की राजनीति करेगा तो ज्यादा परसेंट के लिए करेगा कम परसेंट में क्यों करेगा। कम परसेंट कोई तुष्टिकरण नहीं है यही सोशलिज्म है इसी को कहते हैं समरसता सामाजिक बैठाना और जिसको फड़का करके 80% वोट लेने की कवायद करना उसको तुष्टिकरण कहते हैं। बिल्कुल इस वक्त हमारे पास वक्त इतना ही है।